खुश हूं मैं MH1 लेकर आए हैं आपके लिए यहां पर कॉलेज विद्या नॉलेज पार्क। ये मेरिट का एक बहुत बड़ा कैंपस है, तो यहां पर पहुंच चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म में तैयार है आप? कौन आएगा सबसे पहले? कौन आ रहा है सबसे पहले? गगन। क्या बात है गगन, आज तो प्रचंड चल रहे हैं, सूर्य देव ऐसे चमके हुए हैं, लेकिन हम हॉल में माहौल बना रहे हैं आपके इस कैंपस के अंदर। यस सर। गगन क्या करते हो इस कैंपस में? सर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग? यस सर। कौन सी स्ट्रीम? कौन सा? कंप्यूटर साइंस। हाँ कंप्यूटर साइंस। यस सर। इस स्ट्रीम में आपको सेमेस्टर कितने हो गए? सर फोर्थ चल रहा है। चौथा चल रहा है। और इसमें कुछ स्पीड ब्रेकर्स आए हैं? यस सर आए हैं कोरोना की वजह से। अच्छा वो वाला स्पीड ब्रेकर आया और जो री बैक बचती है सब? नहीं आज तक नहीं लगी। अरे वाह 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 वाह। कहने का मतलब है कि ये लड़का जो है ये होनहार है और जाएगा बगैर री मारे सप्ली आए बिल्कुल क्लियर करेगा। सही बात है? यस सर। चलिए तो यहाँ पर आज इस मंच पे क्या परफॉर्म करने वाले हो? सर मैजिक। मैजिक? कैसा मैजिक सर? वो तो देख के पता चलेगा। मतलब ये जवाब होना चाहिए था कि मैजिक ऐसा कि आपको देख के पता चलेगा। तो ठीक है मुझे यहाँ से गायब कर सकते हो? नहीं इतने बड़े वाले नहीं है अभी। बड़े वाले नहीं है हम छोटे वाले हैं। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? सर तीन बच्चे चाहिए मेरे दो। तीन बच्चे चाहिए? तीन आ जाइए कोई आए। वाह वो लड़की सबसे पहले मैं आना चाहूंगी। मैं आना चाहूंगी। गगन के गगन ने बुलाया और मैं चली आई। आइए चलिए गगन। 1 2 3 स्टेज इज ऑल योर्स। मैजिक में यह है कि जो कॉइन है वो तो हैंकी के नीचे रहेगा और फिर वो गायब हो जाएगा, और वो चेक करने के लिए कि हैंकी के नीचे है या नहीं वो इसे ये सब चेक करेंगे। ठीक है अब ये सब चेक करेंगे कि हैंकी के नीचे है या नहीं गायब। अब ये वापस आएगा। अब ये वापस आएगा। भाई देखो इस लड़के की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वैसे ना मुझे है, पैसे गायब करने हैं ना, तो इससे अच्छा मेरे पास मौका नहीं मिल सकता। भाई देखो नोट तो कोई भी चलेगा, पुराना हो उससे भी पुराना हो, नया हो, डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो हो, यहाँ का 2000 का हो, 500 का हो, सब चलेंगे। कब करेंगे गायब बताओ? सर जब आपके मन करें। अब भी करेंगे बस इस शो के बाद। हम यहाँ पर ऐसे ऐसे गायब करेंगे जिसे क्या क्या गायब कर सकते हैं। मतलब अभी तो सर छोटे लेवल के, छोटे लेवल सिक्के गायब करेंगे। चलो ठीक है फिर तैयारी है। एक अपना तो हो गया जी फ्यूचर सिक्योर। कहते हैं कि भविष्य क्या कि सिक्योर होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए आपको, तो हमें चलिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। और एक बड़े जादूगर के आप सपने को पूरा करें जो आप बनना चाहते हैं। गोगा था ना गोगा, मैं जादूगर मेरा नाम गोगा मुझ जैसा नहीं कोई होगा। अमरीश पुरी साहब ने जादूगर मूवी में बच्चन साहब के साथ वो जो परफॉर्मेंस दिखाया था वो तो एक पर्दे के पीछे था जो हमने देखा, लेकिन रियल लाइफ में आपका परफॉर्मेंस, आपको ऑल द बेस्ट। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। विद्या नॉलेज पार्क में मेरिट के अंदर ये एक कैंपस, यहाँ पर हमारी टीम MH1 दिल से कॉलेज। और यहाँ पर अगले परफॉर्मेंस की बारी, कौन आना चाहता है या चाहती है? सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है, कौन आना चाहेगा? जल्दी आ जाए, खुद ही आ जाए मेरे साथ। अरे वाह क्या बात है। नाम क्या है आपका? विनीत। विनीत यहाँ पर इस कैंपस में कितने साल हो गए? 2 साल। स्ट्रीम क्या है? CSE कंप्यूटर साइंस। इस कैंपस की सबसे खास बात तुम्हें क्या लगती है? सर मेरठ में सबसे अच्छा कैंपस यही है। मेरिट का सबसे बढ़िया कैंपस यही है। और यहाँ पर इस मंच में आज क्या करने वाले हो, क्योंकि MH1 दिल से आपके लिए यहाँ पे पहुंचा है? शायरी। शायरी? और आप ही शायर हैं या फिर आप बस पढ़ रहे हैं? सर पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, इसके बाद आपकी शायरी के बाद थोड़े से सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है। चलिए तैयार है? 1 2 3 अर्ज किया है हम रूठे भी तो किसके भरोसे रूठें, हम रूठे भी तो किसके भरोसे रूठें, कौन है जो आएगा हमें मनाने के लिए, कौन है जो आएगा हमें मनाने के लिए, हो सकता है तरस आ भी जाए आपको, हो भी सकता है तरस आ भी जाए आपको, पर दिल कहाँ से लाएं आपसे रूठ जाने के लिए, पर दिल कहाँ से लाएं आपसे रूठ जाने के लिए।
तो मोहब्बत हकीकत में कभी आपके साथ ये मोहब्बत का हुआ है किस्सा? नहीं सर। कभी मोहब्बत नहीं हुई? नहीं सर। इस बात में देखिए सबसे बड़ी मिलावट नजर आती है, क्योंकि इनके जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं वो पीछे से कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे हैं कि ये मोहब्बत नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं। और बनना क्या चाहते हैं? शायर ही बनना चाहते हैं, इसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस से आगे कुछ बड़ा सोच रहे हैं? कंप्यूटर साइंस से। बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर विद्या नॉलेज पाक है स्टूडेंट होनहार, जिसने शायरी यहाँ पर परफॉर्मेंस की है। तो परफॉर्मेंसेस यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, आगे कौन आएगा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसका है? अरे दो लड़कियां आई हैं, क्या बात है, दोनों इधर, एक इधर भी आ जाओ ना। नाम क्या है आपका? ज्योति। आपका? प्रिया। प्रिया एंड ज्योति दोनों सहेलियां हैं और एक ही स्ट्रीम की हैं, एक ही साथ खाती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, आती हैं, जाती हैं, और एक ही मोहल्ले में भी रहती होंगी? नो सर। अच्छा। नो सर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर दिल्ली रोड ब्रह्मपुर। अच्छा, बागपत रोड। ओके, तो दोनों एक ही स्ट्रीम की हैं? यस सर। कौन सी स्ट्रीम है? CSE कंप्यूटर साइंस। यस सर। कौन सा ईयर है? सेकंड। लेकिन एक बात बताऊं, दो लड़कियां, दो जो फीमेल होती है ना, उनके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं इनकी परफॉर्मेंस के बाद। क्या करना चाहती हैं? सिंगिंग। दोनों इकट्ठा गाएंगी? यस सर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। जरा सा झूम लूं मैं अरे नारे नारे ना, जरा सा झूम लूं मैं अरे नारे नारे ना, जा तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा ना, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनु बचा। थैंक यू। अच्छा, इसके ऊपर मेहनत की थी या बिल्कुल रैंडमली आ गए कि आज भाई मौका मिला है कूद जाओ उधर जाओ? सर रैंडमली। रैंडमली? अच्छा, तो सारे काम रैंडमली होते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये चीज क्लियर करनी है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कियों की इतनी अच्छी दोस्त होती नहीं है वैसे, ये बात सही है? नो सर। नो सर। और आगे क्या बनना चाहती हैं आप? सर CS में रिलेटेड काम करना चाहते हैं आगे। अपना काम करना चाहती हैं या किसी के लिए काम करना चाहती हैं? सर अपने लिए। हमें भी दे देना थोड़ा काम, फिर क्या पता हमारे भी कुछ बढ़िया, हम भी अपने सपने पूरे कर लेंगे, है ना? ओके सर। चलिए ठीक है, इनके लिए ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर MH1 कॉलेज। विद्या नॉलेज पार्क मेरठ, यहाँ पे इस कैंपस के अंदर आपके लिए कॉलेज कैंटीन लेकर आए हैं हम। और अगला परफॉर्मर अब कौन है यहाँ पर? जी हाँ, हाथ खड़ा किया है ऐसे जैसे बस ऐसे करेंगे, जैसे तीर चलता था और वहां से बारिश हो जाती थी, यहाँ से हाथ करेंगे ऐसे और बारिश हो जाएगी। हैं, बड़ा तीखा हाथ है तुम्हारा, ऐसे करके आवाज ही बहुत तीखी रहेगी। तुम भी बड़े तीखे हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है हर्षवर्धन जैन। हर्षवर्धन जैन। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मेरठ से ही हूँ। यहाँ पर कितने साल हो गए? ये मेरा फाइनल ईयर है, मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ। तो यहाँ पर 3 साल जो निकले हैं, कैसा लग रहा है इस कैंपस को? अब अलविदा कहना पड़ेगा इस साल के बाद। अलविदा कहना पड़ेगा, पर वही बात है, कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे मेरी बहुत यादगार लम्हे जो मैंने यहाँ पे काटे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनसे। और डोले वोले तो बढ़िया है, क्या साइज है दिखाना ज़रा एक बार? एक बार क्या, दो बार दिखाएंगे। एक बार क्या, दो बार दिखाएंगे, दूसरी बार भी दिखाओ। तीसरी बार भी दिखाएंगे। आए उधर दिखाओ। वहाँ दिखाएंगे सर, ये देखिए। आए क्या बात है। अच्छा, कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर जो लड़कों के डोले को देखकर बिल्कुल इंप्रेस हो जाती है? हाथ खड़ी करे जरा लड़कियां। झूठ बोल रहे हैं। कितने लड़के हैं यहाँ पर जो डोले बनाना चाहते हैं? शर्मा रहे हैं। अभी धीरे धीरे खुलेंगे हमारे साथ ये। लेकिन लड़कियां क्या कि डोले देख के प्रसन्न हो जाती हैं, प्रफुल्लित हो जाती हैं। इनसे अगर पूछे कि इनका क्या है कि वो कैसा चाहिए ड्रीम बॉय, तो तुम्हारा ही नाम आएगा। सही बात है सर। नाम क्या है तुम्हारा? हर्षवर्धन जैन। तो जैन साहब यहाँ पर अब मौका है, आज क्या करना चाहेंगे? मैं गाना गाना चाहूंगा। चलो फिर, माइक आपका है, स्टेज आपका है। थैंक यू सर। हे सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों
बुरा है दिल लगाना, जब हुस्न ही नहीं तो दुनिया में क्या कशिश है। दिल दिल वही है जिसमें कहीं प्यार की खलिश है। मान ले मेरी बात सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा जमाना हर्षवर्धन का दीवाना रहेगा हमेशा। यार हर्षवर्धन, गाना तो तुम बहुत बढ़िया गाते हो। मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे यहाँ पर मैं कुछ दंड वंड देख लूँ तो मैं भी इंस्पायर हो जाऊँ, इंप्रेस हो जाऊँ। कितने कर लेते हो बैक टू बैक? बैक टू बैक तो सर चलो आज देख ही लेते हैं फिर। 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22। जिम वाली बॉडी भी है और साथ में खुराक भी लगता है, देसी टाइप के बंदे हो तुम बर्गर फर्गर पिज्जा विज्जा में ज्यादा विश्वास रखते हो क्या? नहीं सर, सब कुछ लिमिट में। लेकिन जब डेट पे जाते हैं तो हो ही जाता होगा, क्योंकि अब सामने से डिमांड आती है तो आप क्या करोगे? लस्सी थोड़ी बोलोगे मैं घर से लस्सी लेके आया हूँ अपने लिए। सही बात है सर, सही बात है। चलिए ठीक है, कांग्रेचुलेशन यार गाने के लिए और आगे जाने के लिए भी है। चलिए कॉलेज का नाम, अपने कैंपस का नाम ऊंचा करिए। MH1 दिल से। और ये चल रहा है यहाँ पर इस कैंपस में कॉलेज। अगली परफॉर्मेंस कौन है जो यहाँ पर आएगा? राजा भाई पीछे से हाथ खड़ा हुआ, आगे आता हुआ। नाम है इस लड़के का वासु रावत। अरे क्या बात है, 2-3 इंच मेरे को ऊंचा होना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल लेवल पे आगे बात कर रहा है। वासु रावत क्या करते हो? सिंगिंग। कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ से। और यहाँ पर कितने साल हो गए? 2 साल। इतना नॉलेज बाग में मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। और स्ट्रीम कौन सी है? BCA। BCA 2 साल में BCA। BCA में नहीं, मुझे ऐसा लगना चाहिए ना कि मैं भी कुछ बड़े से बात कर रहा हूँ यार। जब मैं थोड़ा बड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तुम नीचे आ गए, नीचे मैं गया तो अब तुम बड़े नजर आ रहे हो। मैं छोटा लग रहा था ना फिर। ठीक है, तो BCA में 2 साल के अंदर क्या क्या सीखा है? जावा। वाह 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 वाह। जावा लैंग्वेज सीखी है और सी लैंग्वेज वाह सीख लिया। बस अभी यही चल रहा है। आगे साइड सिंगिंग चल रहा है। तो रियाज भी करते हो क्या? ठीक है, तो गाना आपका तैयार है इस मंच पे। 1 2 3 शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। कोई अन कहीं कोई अन सुनी, बात धीमे धीमे कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू। के बुम 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 परा परा है खामोश दोनों, के बुम 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 परा परा है मदहोश दोनों। थैंक यू। जितने तुम सख्त नजर आते हो ना उतने ही बस बहुत सॉफ्ट हो। वाह वाह। तो आंखें बंद करके जब तुम गा रहे थे, एक तो बहुत अपने अंदर ही फोकस हो रहे थे, तुम कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, सुर ताल का बिल्कुल अपना बैलेंस बिठा रहे थे, लेकिन एक तस्वीर भी सामने बन के आती है। देखिए जब आंखें बंद करते हैं ऐसा नहीं होता कि तस्वीर नहीं आती, तो वो तस्वीर किसकी थी? मम्मी की, बहनों की और मम्मी की। वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसा लड़का होना चाहिए। देखिए बहनों और मम्मी की तस्वीर सामने आ रही है, तभी वो ईमानदारी के साथ इन्होंने परफॉर्म किया। और ऐसी ईमानदारी रखिएगा, कभी ईमानदारी को इधर डोलने मत दीजिएगा। अरे वो तो हो जाता है कभी कभी। हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल कभी कभी तो हो जाएगा आगे जाके। चलिए ठीक है, और आगे जाके आप कुछ बड़ा करें इस कॉलेज का, कैंपस का, इस शहर का, मम्मी पापा का, दीदियों का, दोस्तों का और उनका भी। इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगला परफॉर्मेंस कौन है? जोरदार जिंदाबाद, जबरदस्त। गुलाबी पहन के आई हूँ मैं, पिंक पिंक। जी हाँ, पिंकी तो नहीं है आपका नाम?
अगर होता तो मजा आ जाता, मैंने बोला और लड़की का नाम पिंकी है, अंतर्यामी होता मैं तो फिर। यस। क्या नाम है आपका? महक। महक, महक यहाँ मुझे देख के वैसे ना सारे मुस्कुराते हैं, मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया क्या करना चाहती है महक। सर सिंगिंग। सिंगिंग, कौन सा गाना गाएंगी? सर जीना जीना, बदलापुर से जो है। चलिए फिर आपका माइक है, मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ ऐसे से गाने। ओके थैंक यू सर। सच्ची सी है ये तारीफ दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, ओ आसमां मिला जमीन को मेरी यादें यादें पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। यहाँ पर इस कैंपस में जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे गाना गाया बहुत बढ़िया, मेरे से भी वो मूवी भूली भुलाए नहीं भूली जाती। खैर क्या बनना चाहती है मैं, फ्यूचर कहाँ दिखाई दे रहा है? सर सिंगिंग में भी और एनिमेशन लाइन में भी जाना है। वेरी नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर। और अब अगला है परफॉर्मर, अगला परफॉर्मर। कैसी है आप? अच्छी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अंशिका। कहाँ की रहने वाली है? किठोली। अच्छा तो यहाँ पे कितने साल से? 2 साल। मजा आ रहा है? यस। पहले आ रहा था कि अब आ रहा है? पहले भी आ रहा था, पहले तो ऑनलाइन था। ऑनलाइन भी मजे ही आ रहा था। क्या किया फिर ऑनलाइन में? ऑनलाइन एग्जाम दिए। अच्छा तो ऑनलाइन एग्जाम में मजा आता है, ऑफलाइन एग्जाम में मजा आता है? ऑफलाइन। अच्छा तो यहाँ पर आज इस मंच पे क्या परफॉर्म करने वाली है? शायरी। शायरी, तो आप ही हैं वो जो लिखती हैं बड़े बड़े शब्द जिसके लिए पन्ने छोटे पड़ जाते हैं? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। किसके हैं शब्द? शब्द मेरे हैं भाई के लिए। अपने भाई के लिए? आए। मेरे घुटने थोड़े से दर्द करने लग पड़े थे इसलिए मैं थोड़ा सा अपने ओरिजिनल उसमें आ चुका हूँ अवतार में, तो ठीक है। आपके भाई का नाम? अक्षय सैनी। सो मांगू हजार देवे, सो मांगू हजार देवे, उस जैसा इस दुनिया में कोई मुझे प्यार न देवे, उस जैसा इस दुनिया में मुझे कोई प्यार न देवे, दुआ करूँ ऊपर वाले से, दुआ करूँ ऊपर वाले से, ऐसा इंसान हर घर में जरूर देवे, क्योंकि मैं गलती करती जा रही थी वो फिर भी मुझे समझा रहा था, मैं किसी और के बारे में नहीं अपने भाई के बारे में बता रही थी। भाई क्या करता है? भाई बीसी कर रहा है फाइनल ईयर। बड़ा है? छोटा है, ट्विंस। अच्छा दो हैं आप और आपका भाई ट्विंस? यस। थोड़ी सी नर्वस लग रही हैं आप? नो सर। ऐसा है तभी तो यहाँ पर है MH1 दिल से लेकर आते कॉलेज, जहाँ पर परफॉर्मर को मिलेगा मंच, क्योंकि एक परफॉर्मर उस परफॉर्मेंस का भूखा होता है। चलिए ऑल द बेस्ट, अब आगे आने वाला परफॉर्मर कौन है, अपनी भूख मिटाने वाला है यहाँ पर इस मंच में परफॉर्म करने वाला, और ये है, क्या नाम है आपका? रिया। रिया कहाँ की रहने वाली है? सर बाफर। और यहाँ पर इस कैंपस में कितने साल हो गए? सर 2 ईयर्स। और यहाँ करती क्या है, कौन सी स्ट्रीम में? सर कंप्यूटर साइंस। और आप भी कंप्यूटर साइंस की इस फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर और कुछ बनना चाहती हैं? सर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। तो सोचा है कहाँ तक क्या जाना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ सोच के रखा है? सर फुल स्टैक डेवलपर। हाँ फुल स्टैक डेवलपर। इस मंच में आने के पीछे का कारण क्या है? सर मैं पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। आपके पास माइक है, मंच आपका है, तैयार। तो क्या हुआ अगर वो मुझे लोरी गा के नहीं सुलाते, माँ डांटे कभी वही तो मेरे पक्ष में बोल के उन्हें समझाते, तो क्या हुआ अगर सामने से वो अपनी जज्बातों को छुपाते, चली जाऊं दूर कभी तो वही तो फिर कहीं अकेले में अपने आंसू छुपाते, तो क्या हुआ अगर आज मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं,
पर मेरे शब्द ही छू लेंगे उनके दिल को कहीं। तो क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे कभी डांटा, उस डांट से ही तो हटा जीवन का हर काटा। तो क्या हुआ उनके संग में जिंदगी भर ना रह पाऊंगी, दूर रहकर भी मैं उनके लिए वो सारी खुशियाँ लाऊंगी जिसके वो हकदार है, क्योंकि ये बेटी उनकी होनहार है। थैंक यू। देखिए बेटियाँ, बेटियों का कनेक्शन फादर के साथ बहुत बड़ा वाला होता है और बेटियाँ ज़्यादा केयरिंग भी होती हैं। बेटे तो हमारे जैसे होते हैं, क्यों भाई? कितने हैं यहाँ पर जो पापा से अभी धन्नाटेदार अभी रैपटा किसे पढ़ा है पिछला वाला पास में, दो चार दिन पहले कोई है ऐसा? हाय रोज आते हैं क्रिस्टी से, आजा 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 आजा। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रैपटे खाए हैं जन्नाटेदार तम तमाते हुए। कब पढ़ा था पिछला वाला? कल को ही। कल पढ़ा था सर। क्यों पढ़ा था? पापा के वो सर के बाल काट दिए थे मैंने ट्रिमर मशीन से। पापा के सर के बाल काटने के पीछे का कारण? पापा सो रहे थे, मेरे को चिल उठ रही थी। पापा सोए थे और इनको ऐसा लगा कि पापा सोए हैं, आज बदला लूंगा। बदला पापा को फादर्स डे पे तुम नो मर्सी की टी शर्ट क्यों नहीं गिफ्ट कर देते? एक लिखाओ नो मर्सी, वो भी दे देंगे। वो देना, उसके बाद उनके साथ एक तस्वीर बिल्कुल स्माइल वाली सेल्फी लेना। हाँ चार्टर पर देवेगी। हाँ देखे वो अब वही तो है जिससे कि हम इंसान बनते हैं। चलिए आप परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं क्या? क्या नाम है? मिलन। मिलन आन मिलो सजना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिलन प्रकाश सिंह। मिलन प्रकाश सिंह, तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में कितने साल हुए हैं? 3 साल। क्या करते हो यहाँ पर? बीबीए। बीबीए, तो क्या करना चाहोगे, क्या लक्ष्य है, गोल क्या बना के रखा हुआ है? पुदीना बेचना है। पुदीना बेचना है, खेती करनी है, किसान बनना है, फार्मर, और उसके अलावा और भी कुछ बेचना है, कुछ और बड़ा कुछ करना चाहते हैं? यस सर, बिजनेसमैन। हमें भी दे देना कुछ ठेके वेके, हम भी देख लेंगे, अपने ट्रक व्रक भिजवा देंगे, हम भी क्या पता ले लें। काफी स्कोप है सर, आरजी में भी काफी स्कोप है। स्कोप तो है, तभी तो यहाँ पर आए हैं हम आपके साथ। देखिए इतना बड़ा मंच हमें मिला है, हमें मौका मिला है आपको हमारे साथ खड़े रहने का, तो हमें चैलेंज कर रहे हैं क्या आप यार? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गायकी वायकी करने वाले हैं? बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग, राम जी चुपन मिलन ठाकुर विद बीटनेस वर्जन शॉर्ट बॉल टेम्परेचर चेक द साउंड। ऐसे जो कर रहे थे ना, मैं वो हाथ को हटाना चाहता हूँ और तुम्हारे चेहरे के वो वाइल्ड एक्सप्रेशंस में देखना चाहता हूँ, कैसे कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं सामने देखो कैमरे में। पाम 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 प
भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो, मतलब ऐसी अंदर बीट इनकी है, करंट मेरे दौड़ रहे हैं। यही 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 देखने के लिए, यही आपके अंदर की वो जो एक आग है ना, वो ज्वाला, उसको बाहर आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे, वो जो आने वाला सीन है, तभी तो हम लेकर आए आपके लिए कॉलेज कैंटीन MH1 दिल से। और भाई तुम्हारे पुदीने का बिजनेस तो रहेगा रहेगा, लेकिन ये जो वाला काम है ना, ये जो अंदर का आर्टिस्ट है ना, ये भी तुम्हें देखना आगे। पुदीने का बिजनेस है सर, यही पुदीने का बिजनेस है भाई साहब। बहुत डबल मीनिंग बातें भी हो जाती हैं, और बीच में जो आवाजें निकल रही थी, और वो जिसको तुमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था, खुलासा कर रहे थे, उसके नाम का उजागर कर दिया तुमने, उसका नाम कौन था वो? मुस्कान काशिक। जाओ जरा तुम, आओ जरा तुम, इधर आओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? नो सर। मुस्कान का आशिक बोल रहे तुम्हें सारे? सर इसे बस ज़्यादा था, इसे ऐसी आ रही थी सर। है कौन वो मुस्कान? सर ऐसी आ रही थी ऐसी। वैसे मुस्कान के चेहरे की इतनी प्यारी है ना, वो मुस्कान इनकी ही है, जिसके सब आशिक हैं, और ये खुद अपनी मुस्कान के आशिक हैं, तो ये मुस्कान इनकी खुद की है, जिसको इन्होंने अपने साथ समा के रखा है। यस सर। थैंक यू। अरे वाह यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया। क्या है आपका? खुशी। खुशी। जैसा नाम है वैसा ही बिल्कुल इनका पर्सनालिटी, मैच करता है नाम और पर्सनालिटी। जब मुझे लग रहा है कि जब आप पैदा हुई थी तो चेहरे पे मुस्कान थी। यस सर जी। खुशी एक बात बताऊं, जब मैं पैदा होना तो मैं भी मुस्कुराता। तो वो आवाज बुलंद है MH1 दिल से, और कॉलेज कैंटीन में आपके कैंपस में आए, तो खुशी क्या करना, डांस कौन से नंबर पे करना चाहेंगी आप? सर भंगड़ा, आई एम गोइंग टू परफॉर्म भंगड़ा टुडे। भंगड़ा पौन नु जी करदा, कुड़ी करेगी भंगड़ा ते आपा भी करांगे भंगड़ा। एक गिद्दा होता है लड़कियों का, एक भंगड़ा होता है मुंडिया का, तो मैडम ने गिद्दा नहीं किया, मैडम ने भंगड़ा किया, तो बिल्कुल इतना वाला इतना वाला इतना वाला इतना वाला, मतलब एक्सप्रेशंस के साथ, स्माइल के साथ। तो शादियों में भंगड़ा पूरा, फिर चल जाते हो तो वहाँ पे सुरजीत बिंद रखिया गाना डाल के लगा के आप फिर भंगड़ा करती हैं? सर वहाँ तो चिल मोड ऑन रहता है ना, तो वो अपने आप ही अंदर से निकल जाता है। और क्या बनना चाहती हैं आप खुशी? सर बैकएंड डेवलपर। क्या बात है, और स्ट्रीम क्या है आपकी? सर CSE। CSE कमाल। इसके अलावा आपका ये वाला भी जो रूप है, ये भी बढ़िया, ऐसे निखरता रहे, परफॉर्म होता रहे। एनीवेज आपने पंजाबी परफॉर्म किया है, ऑल द बेस्ट आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, और इस कैंपस में। अब कॉलेज कैंटीन में कौन आने वाला है नेक्स्ट परफॉर्मर? ओह क्या बात है, आओ प्रभु 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 प्रभु, आपके कद के सामने तो हम छोटे पड़ गए प्रभु। इतना शर्मिंदा ना करो सर। नहीं शर्माते भी हैं लड़के, ये सुन के और अच्छा लग गया यार, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे वो एक ईमानदारी और एक वो शर्म का घूंघट नजर आता है। थैंक यू सर। नाम क्या है तुम्हारा? कविराज। कविराज, क्या बात है, बड़ा प्यारा नाम रखा है। कविराज ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप कविराज ठाकुर? सहारनपुर का सर। सहारनपुर से यहाँ पर आने के पीछे का कारण? सर यहीं रहता हूँ अभी तो फिलहाल, कॉलेज चल रहा है ना तो। तो इधर कॉलेज में कितने साल हो गए? सर तीसरा साल चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है BCA का। अच्छा। या BCA का फाइनल इनका चल रहा है, और कितनी अब तक BCA में कुछ स्पीड ब्रेकर? नहीं सर। बनना क्या चाहते हैं आप? मैं सर बड़े बड़े शायरों के साथ अपनी शेयर करना चाहता हूँ लाइफ में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, और बड़े बड़े शायरी के मुशायरों में भी जाना चाहते हैं, शायर बनना चाहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं? इवन जाता भी हूँ मैं, मैंने एक दो शायर के साथ स्टेज भी शेयर की है। अच्छा। जी अब आपके हाथ में माइक है, और स्टेज इज ऑल योर्स, तैयार हैं आप शायरी है? यस सर। आप मेरे साथ बैठेंगे थोड़ा शेयर? अच्छा बिल्कुल, वैसे एक वो क्या बोलते हैं, एक पूरा वो माहौल बनना चाहिए। चलिए ठीक है बैठिए आइए। कि मुझे तेरे साथ एक शाम बितानी है। वाह वाह। मुझे तेरे साथ एक शाम बितानी है, तेरे कानों में माँ के दिए झुमके लगाने हैं। वाह।
मुझे तेरे साथ एक शाम बितानी है, तेरे कानों में माँ के दिए झुमके लगाने हैं। एक हर रोज पकड़ो तुम मेरा हाथ, एक हर रोज पकड़ो तुम मेरा हाथ, और फिर कहो ये उम्र यूं ही काटनी है। भाई बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है, मतलब इतनी गहराई है बस ना अपनी शुरू कर रहा हूं मैं कहां तक गहराई है। जान थोड़ा संभल लो अंधेरा है, या कमर से जकड़ लो अंधेरा है, फिर सुनाना कोई डरावना किस्सा, फिर सुनाना कोई डरावना किस्सा, फिलहाल मेरा हाथ पकड़ लो अंधेरा है। मैं तो उसे गले लगाने वाला था, मैं तो उसे गले लगाने वाला था, वो चिल्लाकर बोली फिलहाल मेरा हाथ पकड़ लो अंधेरा है। भाई देखो इसमें बहुत से ऐसे पल थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कमर पे हाथ पकड़ लो, कमर पकड़ लो अंधेरा है भाई, ध्यान से, क्योंकि क्या है कि कमर पतली होती लचक आ जाए, प्लस्तर लग जाए। लेकिन भाई मैं भी कुछ अब अर्ज करना चाहता हूँ, क्या मिलेगा दुनिया से तुझे वफा करके, वाह वाह कर दो यार, क्या मिलेगा दुनिया से तुझे वफा करके, कि आजा लग जा गले से मेरे, ठा करके ठा करके ठा करके। अब अगला परफॉर्मर कौन है, लड़का है लड़की है कोई, अगर आए आए क्या बात है, आजा भाई आजा। क्या नाम है तुम्हारा? अंशुल गोयल। अंशु, अंशुल, 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 कितनी मेहनत करते हो अंशुल तुम, ये तो देख के पता लग जाता है, मेहनत शुरू होती है सुबह उठते नहाते ही, है ना? यस। कहाँ लगती है सबसे ज्यादा मेहनत नहाते हुए, नहाने के बाद? नहाने के बाद काम में लगती है। ये जो तुम्हारे बिल्कुल बढ़िया लहराते, तेरी जुल्फों के नीचे जो शाम ढल रही है ना यहाँ से, क्या बात है, मजा आ गया यार। कितना लगाते हो इस पे शैम्पू? शैम्पू 3 दिन में एक बार लगाता हूँ। तो कितना खर्चा बैठ जाता है इस फसल का? महीने का या दिन का? दिन का नहीं, 3 दिन में करते हो ना तुम इस फसल को तैयार, मतलब शैम्पू वैम्पू लगा के, महीने का क्या बजट बैठता है? 7 से 8 हजार। और लड़कियां कभी कॉम्प्लीमेंट देती हैं इन बालों को देखकर? हाँ। तो यहाँ पर जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं इन, इस लड़के को देखिए, जरा घूमना राउंड मारना। आए अंशुल, यहाँ पर इस कैंपस में क्या करते हो? मैं, मेरा आज लास्ट डे है कॉलेज का। तालियां हो दे भाई, तालियां, फेयरवेल। कितने साल हो गए? 4 साल। स्ट्रीम क्या है? मेरा वैसे फैशन का है, लेकिन मैं बिजनेसमैन हूँ अब तो। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पर? डांस। 1 2 3 तालियां। इधर आओ, कैसा डांस किया इसने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मौज कर दी, मौज कर दी, आए मौज कर दी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए थोड़ी देर पहले एक भी लड़की का हाथ खड़ा नहीं हो रहा था क्योंकि शर्मा रही थी, लेकिन जब लड़के ने डांस किया तो लड़कियां अब इसको प्यार से जो बहुत अच्छा कर रही हैं, ये भी एक शर्माना कहते हैं, तो देखो इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। अब ये सब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा आज इस कैंपस में आखिरी डे है। यस। चलिए
चलिए इस कैंपस का नाम ऊंचा करिए, फैकल्टी का नाम ऊंचा करिए, पापा मम्मी का नाम ऊंचा करिए, शहर का नाम ऊंचा करिए, अपना नाम बुलंदियों तक लेके जाइए। MH1 ये है कॉलेज। जब गिटार बजता है ना तो दिलों के भी तार छिड़ जाते हैं। ये है नाम है इनका अमन। अमन हैंडसम बॉय, क्या बात है, बाल तो तुम्हारे भी बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर इस कॉलेज में कौन सी स्ट्रीम है? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो क्या इस फील्ड के रिलेटेड ही आगे फ्यूचर में कुछ तलाश रहे हो? वैसे प्लान्स तो मेरे बहुत सारे हैं, मतलब म्यूजिक में भी कुछ करना है और अगर चांस मिला तो अपनी फील्ड में भी, जर्नलिज्म में। तो ये गाएंगे भी और बजाएंगे भी, 2-in-1 है, बैठेंगे या खड़े होकर ही? खड़े होके ही, चलो फिर 1, 2, 3. Baby, go around, go around, go around every party in LA. 'Cause neither I call you up. Tum mere ho, is pal mere ho. Kal shayad ye alam na rahe. Kuch aisa ho, tum na raho. Kuch aisa ho, hum na rahe. ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, हो दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन हो एक जैसे 100 साल हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया अमन। आप बताइए, जितने भी यहाँ पर सुन रहे थे, इनको देख रहे थे, इनकी परफॉर्मेंस को अपनी दुनिया में पहुंच चुके थे कि नहीं पहुंच चुके थे? क्या बात है, तुम्हारी दुनिया किससे शुरू होती है जिसके लिए मतलब इतना कुछ, इतनी मेहनत हो रही है? बस अपनी मम्मी के लिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सब दुनिया खत्म हो जाती है लेकिन माँ की दुआ कभी खत्म नहीं हो सकती। धन्यवाद, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, कहाँ है नेक्स्ट परफॉर्मर? अरे वाह, क्या बात है, क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या कहाँ की रहने वाली है? सौम्या मेरठ। लोकल लड़की है मेरठ की। तो डर नहीं लगता ना तुम्हें? नहीं लगता, देख के भी ऐसा लगता है जितनी तुम छोटी हो उतना बड़ा धमाका हो तुम। ऑनलाइन क्लास में मतलब मजा आया? हाँ बिल्कुल। क्लास चल रही है और आप वहाँ पे स्क्रीन को हैं ऑफलाइन करके निकल लिए कहीं? ऐसा भी हुआ? हुआ है। तो यहाँ पर सौम्या क्या करना चाहती है? ये हकीकत है, देखिये ये पन्ने जो है ना ये हकीकत के है, फेड नहीं होते। ये ऑनलाइन के नाम पर हमने कहीं ना कहीं मिलावट भी की है, मिक्सिंग भी है, मिक्स एंड मैच भी हुआ है, राइट? यस। यहाँ पर इस कैंपस में आपकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है आज इस MH1 दिल से की कॉलेज कैंटीन के अंदर? सौम्या आज मैं डांस करने वाली हूँ। क्या बात है, कब से कर रही है डांस आप? मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। आप डांस करती है और करवाती भी है क्या किसी से? इशारों पे, उंगलियों पे, कठपुतली की तरह कोई नाचता हो तुम्हारे? ऐसे दिन नहीं आए अभी, ऐसे दिन नहीं आए। तैयार? 1, 2, 3. तालियां होता, तालियां 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 तालियां। है कोई लड़का, है कोई लड़का यहाँ पे जो ऐसे बिल्कुल जो डांस कैसे 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 कमर ऐसे कैसे थरथरा जाता हूं मैं? कोई लड़का नहीं है तो टक्कर में क्यों पड़े चक्कर में? वेरी नाइस, चलो ऑल द बेस्ट।
छोटा बम बड़ा धमाका, ये है सोम्या और ये है MH1। चल रही है यहाँ पे कॉलेज, और ये है आपका कैंपस विद्या नॉलेज पार्क। यहाँ पर हो रही है एक से एक धुआंधार परफॉर्मेंस। आजा भाई, तेरी शक्ल से ऐसा लग रहा है ये बिला उतावला हो रखा है। आजा तू, आजा 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 आजा। बड़े उतावले हो? हाँ सर। किस किस चीज के लिए उतावले रहते हो तुम? हर चीज के लिए। हर चीज के लिए उतावले रहते हो, यही तो भाई भूख है। नाम क्या? ऋषभ रंजन। गुस्से में हो क्या सर? बोलो, कुछ म्यूट क्यों जाते हो यार तुम? है बोलो। मैं बस सर आपको देख रहा हूँ। क्या मेरे अंदर तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बहुत कुछ। हाय, क्या करना? डांस? नहीं सर। फिर क्या करना चाहते हो? शायर। शायर, चलो फिर ये माइक अब तुम्हारे पास है। वर्ल्ड इज ऑल योर्स। थैंक यू सर। कुछ टाइम बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो पिताजी जो होते हैं हमारे लिए, हमें बुरे लगने लगते हैं, तो उन पे कुछ हमने ऐसे लिखा था कि फटी कमीज फटा जूता, टूटा उसका छाता है, खाली पेट फकीर सा पिता जलेबी लेकर आता है, करता मेहनत दिन भर वो, टाइम पर फीस जमा कर आता है, चंद अक्षर पढ़ लेने पर पिता बुरा बन जाता है, जिसने अपना सपना छोड़ा हमारा कल सजाने को, मैं समझ नहीं पाता भाई कैसे पिता बुरा बन जाता है, पिता बुरा बन जाता है। वजन में भारी नहीं हो लेकिन शायरी बहुत भारी है। भारी जिसे बोलते हैं ना, बहुत भार लेकर चल रहे हो अपने अंदर, शब्दों में तुम्हारे बहुत वो वजन जिसे कहते हैं ना, मीनिंगफुल कंटेंट जिसे आप कहते हैं। यस सर, अगर आप बोलोगे तो एक शायरी और मार दूंगा। नहीं नहीं ठीक है भाई, ये बांध जो है ना टूटने नहीं देना है, फ्लो तुम्हारा मुझे पता है, बिल्कुल फ्लो लेस है। वेरी नाइस, चलो धन्यवाद। बहुत अच्छा है यार, क्या बात है। हां जी सर। जोर से बोलो, जय माता। सारे बोलो जय माता दी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य सिंह। आदित्य सिंह, तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है लड़का, चिंगारी। ओके, क्या करते हो यहाँ पे इस कॉलेज में, इस कैंपस में? बीटेक। बीटेक कौन से साल, सेमेस्टर कौन सा? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर सही निकल गए तीन? सब निकल गया। मिस्टर सिंह क्या करेंगे अभी यहाँ पे, क्या करेंगे? पोएट्री। पोएट्री किसने लिखी है ये? खुद से। पक्की बात है? पक्की बात है। माइक आपके पास है, तैयार बैठ जाओ आप। बैठ के। कि तेरे जिक्र के बिना मैं कैसे अपनी कहानी लिखूं, तेरे जिक्र के बिना मैं अपनी कैसे कहानी लिखूं, तुझे इश्क लिखूं, हमदर्द लिखूं, या अपने जीने की वजह लिखूं। वाह 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 वाह, क्या बात है। कुछ गहरा सा लिखना था, इश्क से ज़्यादा क्या लिखूं, कुछ ठहरा सा लिखना था, दर्द से ज़्यादा क्या लिखूं, कुछ समंदर सा लिखना था, आंसू से ज़्यादा क्या लिखूं, सुनो अब जिंदगी लिखनी है, तुमसे ज्यादा और क्या लिखूं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया मेहनत। चलो सिंह साहब, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अब इस परफॉर्मेंस के बाद एक और परफॉर्मेंस तैयार है। कौन है वो लड़की? पीछे से ऐसे ऐसे कर रही थी मुझे मैं। अरे वाह 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 वाह, डरा रही है वैसे आगे में, ऐसी रहना बिल्कुल, मजा आता है। नहीं बिल्कुल, सामने सामने। नाम क्या है आपका? वंशिका। वंशिका, यहाँ पे वंशिका इस कैंपस में विद्या नॉलेज पार्क में क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो पत्रकारिता की दुनिया में आपको भी पताका लहरानी है अपनी, है अखबार अखबार पूरा अच्छे से चाट जाती हैं? चाट जाती हूँ मैं है? अच्छे से खा जाती हूँ, निकल जाऊंगी सब खा जाऊंगी, मुझे सब चाहिए। चलिए यहाँ पे अभी क्या कुछ लिखा है, कुछ पढ़ना है? शायरी। सिंगिंग। अच्छा, सिंगिंग भी है, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी? पंजाबी। पंजाबी, क्या बात है। पंजाबी कुड़ी हार नहीं मानती, कहती है कि मैं पंजाबी गाना गाना वा, तो तैयार है, माइक मिलया आज MH1 दिल से ले गया है कॉलेज कैंटीन ताडे को माइक। हेलो फड़ो। गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदे जांदे दसदा जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं उच्चिया उच्चिया दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे, नाल सांभ के रखनियां कोई दिल च ना ला ले डेरे। तालियां देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए तालियां ही सबसे बड़ी खुराक होती है, तो तालियां जोर से होता है एक बार।
और यहाँ पर आने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही था, हमारा भी गोल रहता है कि हम युवाओं के पास जाएं, उनकी एनर्जीज क्या कहती है, उनके अंदर पढ़ने के साथ साथ और क्या क्या करने की इच्छाएं हैं, तो वो इच्छाएं पूरी करता है MH1। ये है कॉलेज और विद्या नॉलेज पार्क मेरठ, ये कैंपस के अंदर आने के पीछे का यही कारण था। जी हाँ, कैंटीन में बैठकर जो आप लिख रहे हैं, गा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, जो आप डांस कर रहे हैं, आईने के सामने कर रहे हैं, बाथरूम में जाके गुनगुना रहे हैं, लेकिन उसको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है और इसी प्लेटफॉर्म को लेकर MH1 दिल से आता है। तो ये प्लेटफॉर्म अब अगले इंस्टीट्यूट में, अगले कैंपस में, अगले शहर में, वो कौन सा शहर आपका भी हो सकता है, तो पहुंचेगा बहुत जल्दी MH1 दिल से लेकर नया कॉलेज कैंटीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, इस कैंपस के लिए। ब्राइट फ्यूचर, अपना नाम, शहर का नाम, कॉलेज का नाम, कैंपस का नाम, माँ बाप का नाम, दोस्तों का नाम, सबका नाम आप महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। अपने लिए तालियां हो जाए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।